नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी जयदीप भयानी जी। भयानी जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। यानी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे, भयानी जी, आप एक बहुत बड़ी शिक्षण संस्थान के संचालक हैं, MD हैं। ऐसी संस्था जिसमें बहुत बड़े मंत्री भी आए हैं, शायद राष्ट्रपति भी एक बार आए हैं, और बहुत सारे MLA MP जो आपके यहाँ हाजिरी कह लीजिए या आपके यहाँ उपस्थित होते रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या सूझेगी आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए? मेरा परिवार राजनीतिक रूप से लगभग पिछले 50 साल से राजस्थान की राजनीति से जुड़ा हुआ है जी। पिछले लगभग 32 साल से मैं खुद राजनीति से जुड़ा हुआ हूं। जब हेश पेड़ीवाल जी का नगर परिषद का चुनाव हुआ था, मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं खुद राजनीति से जुड़ गया था, लेकिन हमारे परिवार ने कभी भी राजनीति में आगे आने की या फ्रंट लाइन पर आने की नहीं सोची और हमेशा लोगों की मदद करते रहे। लेकिन ये जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, इन 5 सालों में इस इलाके ने बहुत त्रासदी झेली है। किसी भी राजनीतिक दल ने, यहां तक कहें कि सत्तारूढ़ लोगों ने, मौजूदा विधायक ने हमारे इलाके की कोई भी सुध-बुध नहीं ली। किसान, व्यापारी, मजदूर, यहां तक कि छात्र छात्राएं, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी परेशानी में रहे। तो जहां मेरे शहर का दोहन होता रहा, तो मेरे को ये लगा कि अब राजनीति नहीं, राजनीतिक लोगों की जरूरत नहीं है, इस शहर को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो आगे आकर के इस शहर के उद्धार का बीड़ा उठा सके। तो इसलिए मैंने चुनाव लड़ने की सोची। आप बहुत ही व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसी स्थिति में क्या टाइम डिवोट कर पाओगे इसके लिए, पॉलिटिक्स के लिए? नहीं, जहां तक आप व्यस्तता की बात कर रहे हो तो मैं बिल्कुल फ्री आदमी हूं। मैं सिर्फ धान मंडी की दुकान को संभालता हूं जी। उसके अलावा बिजनेस सारा मेरे छोटे भाई देखते हैं, तो मैं तो हमेशा सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहा हूं। समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, या कहीं भी व्यापारियों की समस्याएं हो, मजदूरों की समस्याएं हो, मैं हमेशा इनसे जुड़ा रहा हूं। तो इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि भी मैं व्यस्त रहता हूं। समाज के लिए पहले मेरे पास वक्त था, आज भी समाज के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो समाज के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। जयदीप जी, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिए और आप बागी हो गए, आपको लगता है कि आप पब्लिक में ज्यादा पेट रखते हैं, तो ये अन्याय आपके साथ हुआ या पार्टी के साथ हुआ? मेरे को तो ये लगता है पार्टी ने अपना चीरहरण खुद ही कर लिया। किस तरह से? जिला हेडक्वार्टर है गंगानगर, जिला हेडक्वार्टर पर कांग्रेस के कई पुराने दिग्गज यहां बैठे हैं। चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है। कई लोगों को आजमाया, कांग्रेस का ये फर्ज बनता था कि वो अपने अंदर रहते हुए भी लोगों को आजमा सकती थी। 2003 से लगातार मैं प्रत्याशी बनता आ रहा हूं। 2008 में भी मेरी टिकट लगभग फाइनल थी, 2018 में भी लगभग मेरी टिकट फाइनल थी। प्रत्याशी बनते नहीं, प्रत्याशी के लिए आवेदन करते आ रहे हैं? बिल्कुल आवेदन करता रहा हूं। 2003 में भी 2 व्यक्तियों के पैनल में मेरा नाम था और 2018 के भी 2 व्यक्तियों के पैनल में मेरा नाम था। तो जब कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को आजमा लिया और कांग्रेस मेरे को विजेता कैंडिडेट मान रही थी, तो ऐसी कौन सी आन पड़ी थी कि हमें 2 महीने के अंदर ही किसी नए कैंडिडेट को या नए व्यक्ति को कांग्रेस के अंदर आयात करना पड़ा, उसके लिए टिकट की व्यवस्था करनी पड़ी। अब ये बातें तो कांग्रेस के अंदर ही बता सकते हैं कि इन सब बातों का सूत्रधार कौन था। मैं निश्चित रूप से टिकट पर भी विजयी कैंडिडेट था, आज भी विजय कैंडिडेट हूं। जनता का स्नेह, जनता का प्यार, मेरा जनता से लगाव और वक्त बेवक्त उनके बुरे वक्त में काम आने की जो मेरी आदत है, उसने मेरे को
इस बात के लिए प्रेरित किया और जनता ने मेरे को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हर बार ये टिकट मेंढक की तरह उछल कर आपके हाथ से निकल जाती है तो क्यों ना आप खुद चुनाव लड़ो। लोगों के पीछे बहुत लग ली है, अब खुद आगे बढ़ सकते हो। आपके समर्थकों ने आपको एक आदेश दिया कि आप चुनाव लड़ो जी। यदेव जी, ऐसे कौन सी कारण मानती है, ऐसी कोई समझ आई होगी कोई आपके राज्य पॉलिटिक्स में आप हैं क्या वजह रही? टिकट कटने के मामले में सारा मीडिया जानता है कि टिकट का वितरण कहाँ कैसे हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा अपने कमेंट्स नहीं दूँ तो ज्यादा उचित रहे। ऐसी पार्टी जो टिकट वितरण में अन्याय करे या भेदभाव करे या नाइंसाफी करे, ऐसी पार्टी में क्या आप किसी जाना चाहेंगे? ये एक क्षणिक डिसीजन था, इसको मैं सारी पार्टी का डिसीजन नहीं मान सकता। कुछ लोग जो टिकट वितरण के अंदर महती भूमिका निभा रहे थे उन्होंने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है, तो इसके लिए सारी पार्टी तो जिम्मेवार नहीं है ना। ये वक्त की बातें हैं सारी। हाँ, ये वक्त की बातें हैं। जी जी, देखते हैं। तो अभी सिर्फ 5 दिन चुनाव बचे हैं जयदीप जी, और आपने काफी कुछ गाना विधानसभा क्षेत्र की खाक छान ली है जी। अब तो क्या सीन नजर आ रहा है आपको, पब्लिक का क्या मूड लग रहा है? जिस हिसाब से महिलाओं की संख्या और युवाओं की संख्या मेरी सभाओं में, मेरे जनसंपर्क में उमड़ रही है, तो आप भी जानते हैं कि जब महिलाएं और युवा अपना माहौल एक तरफा बना लेते हैं तो वो चुनाव जो भी प्रत्याशी है उसके पक्ष में हो जाता है जी। और 2013 का चुनाव इस बात का उदाहरण है। जैसे आपने पार्टी छोड़ी और उसमें जाहिर पार्टी के नेताओं ने भी संपर्क किया होगा, उन्होंने कोई लालच दबाव वैसा डर या कोई सीन दिखाया होगा जिससे आपको लगे कि आपको यार जाना चाहिए वापस नहीं जाना चाहिए, ऐसी स्थिति आई होगी? ये ऐसी स्थितियां मैंने 2008 में देख ली। अच्छा, 2008 में मेरे को कहा गया था पार्टी में बहुत सी ऐसी ऐसे पद है या ऐसे निकाय है जिनमें आपको एडजस्ट कर देंगे जी। तो ये सब क्षणिक बातें होती है, चुनाव आने के बाद कोई किसी को नहीं जानता, फिर उस वक्त जिसकी गोटी बैठ जाती है वो फिर अपना मामला फिट कर लेता है। तो मैं ना तो इस बार मेरे को कोई प्रलोभन दिया गया और मैं प्रलोभन के लिए चुनाव लड़ भी नहीं रहा। मेरे मन में गंगानगर के लिए एक पीड़ा है, एक टीस है, मैं उसके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रलोभन के लिए चुनाव लड़ना मेरा कोई मकसद नहीं। जयदीप जी, गंगानगर एरिया जो है विधानसभा क्षेत्र मान लीजिए, इसमें प्रमुख मुद्दे 5-7 हैं ऐसे जो आमतौर पर सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं, दूषित पानी, मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, सड़कों की, नालियों की, ये समस्याएं कॉमन समस्याएं हैं। आपको लगता है इनसे हटकर भी कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको जनता के समक्ष आपने रखा हो और उसको जनता ने स्वीकार किया हो? एक बात मैं बताना चाहूंगा, आपने जितने मुद्दे बताए हैं जी, इसमें दूषित पानी का जो मुद्दा है वो एजेंडा मेरा था। इस एजेंडे को मैंने उठाया, पंजाब में जहां से रिसाव हुआ वहां से लेकर के वाटरवर्क्स के डिग्गी तक की मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की, जगह जगह के सैंपल मैंने इकट्ठे किए। तो ये जो लोग चोरी किए हुए मुद्दे लेकर के घूम रहे हैं वो लोग उस वक्त कहां चले गए थे जब गोल बाजार में हम इस दूषित पानी के खिलाफ इकट्ठे हुए थे? उस वक्त उनकी जनता के प्रति जवाबदेही कहां चली गई थी जो वहां इकट्ठे नहीं हुए? यदि उस वक्त हम दबाव बढ़ा रहे थे तो क्या राज्य सरकार की हिम्मत थी कि वो एनजीटी के अंदर उस वक्त का जो तत्कालीन सैंपल हमने इकट्ठे किए थे उनको ना भेज करके और ताजा सैंपल भेज दे और ये केस सरकार हार जाए? तो ये चुराए हुए मुद्दों को लेकर के जो लोग घूम रहे हैं वो बिल्कुल आधारहीन मुद्दे लेकर के घूम रहे हैं। वैसे गंगानगर क्षेत्र में पानी की कमी, देखिए पानी की कमी एक ऐसी कमी है कि जिससे सारे क्षेत्र का रोजगार जुड़ा हुआ है। खेती हमारा प्रमुख आय का साधन है, यदि खेती खुशहाल होगी तो सारा इलाका खुशहाल होगा। प्रमुख पार्टी के 2 कैंडिडेट जो खड़े हैं वो पहले ये तो बताए उन्होंने किस दिन किसानों के लिए संघर्ष किया या किस दिन किसान सभा में गए, या किसान बताएंगे कि कौन उनकी सभा में गया, किसने उनके लिए संघर्ष किया, कौन उनके पीछे से उनकी मदद कर रहा था? तो इसलिए ये चुराए हुए मुद्दे लेकर के जो लोग आज वोट मांग रहे हैं कल उनकी क्या हालत होगी या कल वो क्या नजर आएंगे? जयदीप जी, एक मेन बात आती है कि यहाँ जो अभी जो मुद्दे आपने बताए जो चल रहे हैं, इसके अलावा यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है कोई रोजगार के साधन उत्पन्न हो, यहाँ की रेलगाड़ियों का कोई ऐसा हो, यहाँ की
ट्रांसपोर्ट का ऐसी व्यवस्था हो जिससे व्यापारियों को फायदा मिले। पिछले 5-10 सालों में जो व्यापार का जो हाल है वो खत्म हो रहा है, इस विषय में आपने कभी स्टडी किया है? देखिए, जहाँ तक आप रेलगाड़ी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये केंद्र का मामला है। बात तो केंद्र का मामला है, लेकिन मुद्दे तो आखिर आपकी सोच तो उस लेवल पे ठीक है, हम तो उन पर दबाव डालेंगे जो एमपी भले किसी पार्टी का हो, एमपी लड़ता तो गंगानगर जिले से। देखिए, अभी गंगानगर कोई किसी बड़े मुद्दे की मांग नहीं कर रहा, अभी गंगानगर लड़ाई लड़ रहा है अपने मूल स्वरूप में आने के लिए। इन 5 सालों ने गंगानगर को 15 साल पीछे कर दिया। सबसे पहले जो गंगानगर की बदहाल स्थिति है, जो उच्च पद पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों ने गंगानगर की दुर्गति की है, जो बीमारी घर घर में छा गई है, कैंसर, लीवर, किडनी, ये ऐसी बीमारियां थी जो कभी कभार 10-20-50 हजार लोगों में एक आदमी में देखने के लिए मिल रही थी, अब ये तो 10-20-50 लोगों में से एक आदमी के अंदर देखने को मिल रही है। सबसे पहला मुद्दा गंगानगर को मूल स्वरूप में लाने का है। आज बच्चा स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहा है कि कौन सी सड़क से जाए, और एक बार बरसात हो जाए तो बच्चों की क्या हालत होती है, ये वो लोग जानते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। बाजार पानी से भर जाए, जो शहर का मुख्य बाजार है या शहर की जो मुख्य सड़कें हैं। तो इसलिए सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि हम अपने शहर को मूल स्वरूप में लेकर के आए। ये बाकी जो लोग फार दिखा रहे हैं ना, ये उनकी राजनीतिक बातें हैं। राजनीतिक लोग राजनीतिक बातें करेंगे, और जिस आदमी को काम करना है वो मूल मुद्दे की बातें करेंगे। मेरे मन में मूल मुद्दे की बातें करने की है। मैं ना पहले, देखिए राजनीति मेरा पेशा ना पहले था ना आगे होगा। मैं समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, समाज के लिए मैंने आज तक काम किया है और आगे भी समाज की सुविधाओं को देख करके काम करूंगा, ये मेरी प्राथमिकता होगी। यदि भी ये चुनाव जो है ये कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ शहर जो है ये कई हिस्सों में बट गए, सब एक दूसरे के परिचित हैं, कैंडिडेट क्या, मतदाता क्या, समर्थक क्या, वो एक दुविधा में है किसके साथ जाए किसके साथ नहीं जाए, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, ये अच्छी बात है या आने वाले दिनों के लिए ये गांठ बन जाएगी इसके लिए? नहीं, काय की गांठ बन जाएगी, राजनीतिक लड़ाई 7 तारीख तक है, 11 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर गंगानगर की यही तो विशेषता रही है। बुरे से बुरे समय में भी 1947 में गंगानगर शांत रहा, 1984 में गंगानगर शांत रहा। तो चुनाव तो हर 5 साल बाद तो एमएलए के होते हैं, उसके बीच में एमपी के आ जाते हैं, पंचायत के आ जाते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव आ जाते हैं। तो गंगानगर में तो आज तक आपसी बैर भाव ऐसा कभी नहीं रहा, और अभी तक जो मेरे को लगता है चुनाव की स्थिति चल रही है तो कोई भी व्यक्ति आपस में जब भी हम लोग मिलते हैं तो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं तो मेरा ये कह सकता हूँ कि मेरे मन में किसी के लिए कोई खटास नहीं है, जो मेरे संबंध पहले थे वही संबंध में आगे रखूंगा। अब कोई व्यक्ति अपने मन में खटास लेकर के घूम रहा है तो वो देखिए साहब, सामाजिक संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, उसको तोड़ने के लिए तो एक ना करना भी बहुत है। तो इसलिए मैं मेरी व्यक्तिगत बात कर सकता हूँ, मेरे लिए ये चुनाव कोई मायने नहीं रखता, मैं जीतूं या हारूं। मेरे लिए जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उन सबके लिए एक समान रूप से, कुछ कोई मेरे थोड़ा ज्यादा नजदीक हो सकता है, किसी से थोड़ी सी दूर की जानकारी हो सकती है, लेकिन मन में कड़वापन किसी के लिए भी कभी नहीं है। तो जयदीप जी, अब क्या समझ में आ रही है पॉलिटिक्स जो चल रही है, 5 दिनों बाद क्या सीन रहने वाला है राजस्थान में और गंगानगर में? अभी मेरा दिमाग गंगानगर पर केंद्रित है। जिस हिसाब से मैंने लोगों से संपर्क किया है, जो लोगों के बीच में मेरा अब तक का कार्यकलाप रहा है, मेरे को बड़ी भारी मात्रा में स्नेह मिल रहा है। लोग बग चला चला करके मेरे पास आ रहे हैं। ये राजनीति में जो शाम दाम दंड भेद वाली नीति लोग अपना रहे हैं या अपनाते रहे हैं, मेरे पास ऐसी कोई शाम दाम दंड भेद की नीति नहीं है। जब लोगों का स्नेह मेरे ऊपर अपने आप उमड़ रहा है, लोग चला चला करके मेरे पास आ रहे हैं, मैं गली से गुजरता हूँ तो माताएं मेरे को रोक रोक के आशीर्वाद दे रही है, ये रक्षा सूत्र देखिए आप मेरे हाथ में, बहनों ने मेरे हाथों में चला चला करके रक्षा सूत्र बांधे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी जीतेगा भी जीतेगा, जयदीप यानी जीतेगा, ये नारे लगा रहे हैं। ठीक है जयदीप जी, आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में पधारे, फिर कभी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।